चुनाव आयोग के निर्देश पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा चौकस कर दी है। रेवाड़ी पुलिस प्रशासन ने चुनाव को देखते हुए वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। सड़क से गुजरने वाले हर एक फोर व्हीलर और टू व्हीलर को गहनता से चेक किया जा रहा है। कार की डिग्गी आदि खुलवाकर देखा जा रहा है। कोई संदिग्ध वस्तु या अवैध शराब अथवा पैसे की तस्करी तो नहीं की जा रही। पुलिस का कहना है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर चुनाव कोई प्रत्याशी शराब रुपए आदि का गलत प्रयोग ना करे, इसलिए चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह रेवाड़ी के सदर थाने की चौकी है। यहां वाहनों को नाका लगवा कर रुकवाया जा रहा है और प्रॉपर जांच की जा रही है। हालांकि इससे वाहन चालक असहज महसूस करते नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी से राजेश शर्मा। चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, कोई वेपन, कोई इलीगल और हथियार है और जो इलीगल पैसा है, उनके लिए सरकार की तरफ से आदेश आए हुए हैं और उनकी ही लिए हम ये चेकिंग चला रहे हैं। और यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात हैं। ये हमारे यहाँ पे मिस्टर अशोक कुमार यादव जी हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट। तो कब से आप ये चेकिंग अभियान चला रहे हैं, कब तक चलेगा ये? ये जब से सरकार के आदेश आए हैं इलेक्शन कमीशन के, तब से चालू है और ये जब तक आचार संहिता लगी रहेगी तब तक चलेगा। तो अभी तक हमारे इधर से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। तो बिल्कुल हर चीज़, जो भी लीगल चीज़ है वो सभी चेक करते हैं। ठीक है, कौन सी जगह अपनी है ये? हमारा चिल्लड़ नाका है जी और थाना सदर है डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी।